Hey everyone, this is Sala, and as you know कि हम JavaScript में different for loops को study कर रहे हैं. हमने अपने previous lectures में traditional for loop को और for each loop को study किया है. आज के इस tutorial में हम for in loop को करीब से देख लेते हैं. ये काफी काम का loop है और interesting भी है. So let's now move on and see how does it work and how do we code it. Okay, सबसे पहली चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि फॉर इन लूप का इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. तो जब कभी भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेवर्स करना है या उसका गो थ्रू लूप थ्रू करना है तो आप फॉर इन लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर इन लूप को आप एरेस के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे. उसकी वजह यह है कि फॉर इन लूप की जो रिटर्न वैल्यू है वो स्ट्रिंग होती है, जबकि एक एरे के अंदर हमारे पास जो इंडेक्सेस होते हैं वो इंटीजर फॉर्म में होते हैं. तो इस रीजन को लेके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यही रेकमेंड करती है कि फॉर इन लूप को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाए. एरे को ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास ट्रेडिशनल फॉर लूप है और फॉर ईच लूप है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा हम फॉर ऑफ लूप के थ्रू भी एरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं. फॉर ऑफ लूप हम होपफुली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे. अब इससे पहले कि हम फॉर इन लूप को कोड करें इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं. लूप को स्टार्ट करते हैं हम फॉर से, जो कि एक रिजर्व वर्ड है, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस को कोड करते हैं. पैरेंथेसिस के अंदर पहली चीज एक वेरिएबल होता है, उसके बाद इन लिखते हैं, इन भी एक रिजर्व वर्ड है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं जिसको हमने ट्रेवर्स करना होता है, और लास्ट में हम फॉर इन लूप को एक बॉडी देते हैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू जिसके अंदर हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं. अब ये लूप काम किस तरह करेगा, हमने इसको जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया होगा ये उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को गो थ्रू करेगा. ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक एक करके लूप थ्रू करेगा और हर राउंड में एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में से उठाएगा और उसको लूप वेरिएबल को असाइन कर देगा. लूप वेरिएबल को फिर हम फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. राइट, तो बहुत ही सिंपल लूप है. अब कोड में चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देख लेते हैं. जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें एक एचटीएमएल फाइल की जरूरत है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है. जावास्क्रिप्ट को हम एक सेपरेट फाइल में लिखेंगे और इस फाइल को मैंने अपने एचटीएमएल के साथ यहाँ पे लिंक भी कर दिया. जावास्क्रिप्ट हमेशा एचटीएमएल के थ्रू कॉल होती है. जब ये index.html की फाइल ब्राउजर में लोड होगी तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और ये app.js वाली जो फाइल है वो लोड हो जाएगी. अब चलते हैं इस app.js वाली फाइल के अंदर और यहाँ पे लूप को चेक कर लेते हैं. इस लूप को चेक करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. मैं एक कार्स का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे. तो हमारे पास एक कार्स का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फोर प्रॉपर्टीज हैं: मॉडल, कलर, एयर एंड इंजन. ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज नेम एंड वैल्यू पेयर होता है. ये प्रॉपर्टी का नेम है, ये इसकी वैल्यू है. ये प्रॉपर्टी का नेम है, ये इसकी वैल्यू है. अब जरा एक दो चीजें ऑब्जेक्ट के हवाले से पहले देख लेते हैं ताकि हमें फिर बाद में लूप की अच्छे से समझ में आ जाए. प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो हम पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम उस प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं जिसको हमने प्रिंट करवाना होता है. लेट्स से कि मैं यहाँ पे मॉडल प्रॉपर्टी को कॉल करता हूँ. अब अगर हम कंसोल में जाएंगे तो हमें वोल्वो रिजल्ट वहां पे मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी मॉडल की जो वैल्यू है बेसिकली वो है वोल्वो. के कंसोल के अंदर हमें वोल्वो रिजल्ट मिल रहा है. तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, उनकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं. लेकिन फॉर इन लूप के अंदर सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इस चीज को बस ध्यान में रखना है. अब हमारे पास नेसेसरी बैकग्राउंड आ गया है. अब हम फॉर इन लूप को कोड करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को लूप थ्रू करते हैं. तो सबसे पहले हमें फॉर रिजर्व वुड लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम एक लूप वेरिएबल लेंगे जो कि प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा. मैं यहाँ पे उसका नाम देता हूँ प्रॉप, और उसके बाद हम इन लिखते हैं जो कि रिजर्व वर्ड है, और उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं जिसको हमने ट्रेवर्स करना है. तो हमारे केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है कार्स, और फिर हम कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बॉडी देते हैं और इस बॉडी के अंदर हम फिर स्टेटमेंट्स लिखते हैं. अब यहाँ पे क्या होने वाला है इसको अच्छे से समझ लें. हमने फॉर इन लूप अप्लाई किया है कार्स ऑब्जेक्ट के ऊपर. कार ऑब्जेक्ट के पास चार प्रॉपर्टीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप जो है वो टोटल फोर राउंड्स लेगा, और हर राउंड के अंदर ये लूप इस ऑब्जेक्ट में से एक प्रॉपर्टी को उठाएगा और उसे इस वेरिएबल को असाइन कर देगा. और ये ट्रेवर्सिंग टॉप टू बॉटम होती है. दैट मींस कि फर्स्ट राउंड के अंदर मॉडल जो प्रॉपर्टी है वो इस वेरिएबल को असाइन हो गई,
सेकेंड राउंड के अंदर कलर प्रॉपर्टी इस वेरिएबल को असाइन होगी, थर्ड के अंदर ईयर और फोर्थ राउंड के अंदर इंजन प्रॉपर्टी इस वेरिएबल को असाइन होगी। अब ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम चेक कर लेते हैं। हम कंसोल लॉग का यहाँ पे कोड करते हैं और उसके अंदर हम लूप वेरिएबल को डाल देते हैं जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज यहाँ से उठ के आ रही हैं। अगर हमें इन चारों प्रॉपर्टीज का नाम कंसोल के अंदर मिलता है तो दैट मीन्स कि हमारा जो लूप था उसने ट्रेवर्स किया है इस पूरे ऑब्जेक्ट को। अब जरा अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड नाउ यू सी कि हमें चारों प्रॉपर्टीज का नाम यहाँ पे मिल रहा है, उनकी वैल्यूज नहीं मिल रही, हमें प्रॉपर्टीज का नाम मिल रहा है, मॉडल, कलर, एयर और इंजन। तो हम प्रॉपर्टीज को इजिली ट्रेवर्स कर पा रहे हैं। अब जो दूसरी चीज है वो यह है कि इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को किस तरीके से हमने प्रिंट करवाना है। उसका जो सिंटेक्स है फॉर इन लूप के अंदर वो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है कार्स, तो हम अपने कार्स ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लार्ज ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और इसके अंदर हम डाल देंगे अपने प्रॉप वेरिएबल को। अब यहाँ पे आप इन दोनों सिंटेक्स के दरमियान फर्क जो है वो देख सकते हैं। जो नॉर्मल सिंटेक्स है हमारे पास उसके अंदर हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे हम लार्ज ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, उसके अंदर हम प्रॉपर्टी के नाम को डालेंगे। ये जो प्रॉप वेरिएबल है इसके अंदर बेसिकली प्रॉपर्टीज के नाम आ रहे हैं। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें ये वैल्यूज शो होंगे। हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, नाउ सी कि हमें अब वैल्यूज प्रॉपर्टीज की मिल रही है, वोल्वो Y22 एंड T4, राइट। तो फॉर इन लूप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है ऑब्जेक्ट्स को ट्रेवर्स करने के लिए, उसे प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज मिल रही है तो मैं मजीद ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। नाउ लेट्स से कि मैं कार के बारे में कंप्लीट इन्फो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक एम्प्टी स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ और इस लूप के अंदर मैं इस कार इन्फो वेरिएबल को बिल्ड करवा दूंगा। Like this, right? और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस कार इन्फो वेरिएबल को प्रिंट करवा लूंगा कंसोल के अंदर। अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड नाउ यू सी कि कंप्लीट कार इन्फो जो है वो प्रिंट हो गया कंसोल के अंदर। सो दैट वाज अ ट्यूटोरियल ऑन फॉर इन लूप। जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि फॉर इन लूप को आपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल करना है, एरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, और इसका रीजन मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। एरे के जो लूप्स हैं हमारे पास वो फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है और फॉर ऑफ लूप है। फॉर इन ऑब्जेक्ट्स के लिए है और सिर्फ फॉर इन लूप ही नहीं है, ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीकों से ट्रेवर्स किया जा सकता है। जो दूसरे मेथड्स हैं हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट कीज, ऑब्जेक्ट वैल्यूज एंड ऑब्जेक्ट एंट्रीज। तो ये तीनों मेथड्स के थ्रू भी हम एक ऑब्जेक्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। नाम मैंने इनके बता दिए हैं, इंटरनेट पर सर्च कर लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो फ्रेंड्स, दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर इन लूप। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फॉर ऑफ लूप के ट्यूटोरियल में। अपना बहुत सा ख्याल रखना।